हाय दोस्तों, मैं आपको आजमगढ़ माहौल से जो है वहाँ पर आया हूँ। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, आपको सुविधा काफ़ी अच्छा लगा है। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से। काफ़ी तगड़ा मेला भी लगा है यहाँ पर। और आप देखते हैं यहाँ पर इनाम मिलेगा और इनाम भी मिलता है, 200 रुपये का टिकट पर मिल रहा है। आजमगढ़ महोत्सव कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर सुविधाएं कई तरह के, मतलब यहाँ पर इनाम उनाम कूपन का भी जो है, लकी ड्रा जो आजमगढ़ महोत्सव 2023 मेगा लकी ड्रा कूपन भी यहाँ पर 500 रुपये में थार बाइक बुलेट बुलेट स्कूटी ये भी निकल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पर लगा है। और वहाँ पर बच्चों के लिए झूला की व्यवस्था की है, फ्री सेवा भी है, कुछ पैसे वाले भी है, मतलब पैसे फ्री सेवा नहीं लग रहा है मुझे, पैसे दे करके ठीक है। तो वहाँ पर जो गायक लोग आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल में। और मैं इतनी दूर से आया हूँ दोस्तों, आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी सभी अपने वरिष्ठ अधिकारीगणों का, एडीएम साहब का, एसडीएम साहब का, जितने सर लोग हैं सबका बहुत धन्यवाद, पुलिस विभाग का बहुत धन्यवाद, आज जिले के जिला जैसे शिक्षा परिवार का बहुत धन्यवाद, सभी सफाई कर्मचारी संघ का बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने अंडा जेकर दिखाई ना दे लो उनका खा दिन वो फालतू काम हुआ करे, पैसा रही ना तो का जरूरत, 500 रुपये लगाओ खाती हूँ। तो आपने जैसे कि देख लिया दोस्तों, हमारे यहाँ भोजपुरी भी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, वैसे तो भोजपुरी लोग ही आ रहे हैं यहाँ पर आजमगढ़ में। और काफ़ी तगड़ी व्यवस्था है यहाँ पर, आप जिस देख ही रहे हैं। आज की शाम बेहद खास होने वाली है, आज भोजपुरी के सभी लोकप्रिय अभिनेता, वाह भोजपुरी के सभी लोकप्रिय नेता लोग आ रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार राजगढ़ जिले के लोकप्रिय सांसद श्री गणेश लाल यादव लोकला जी का निरागमन होगा, साथ में ही उपस्थित होंगे भोजपुरी फिल्म जगत की बहुत शानदार अभिनेत्री आम्रपाली दुबे जी। तो इन सभी लोगों की उपस्थिति में आज की शाम को खास होने वाली है, प्रबंधन अपने काम में लगा हुआ है और विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रतिबद्ध है, सफल बनाने में हमारे प्रयास है। और इस कार्यक्रम को, इस शाम को, इस महोत्सव को ऐतिहासिक सामान 250 रुपये का सामान लेने, फ्री सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का काम है क्या? कोई ऐसा तो कोई कोरोना ही ना चल रहा हो। अब सांस्कृतिक पंडाल जो मंच है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, ये वही मंच है, यहाँ पर सिंगर लोग आएंगे और गाना गाएंगे। काफ़ी दूर है यहाँ से, मैं आपको जूमिंग करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो सांस्कृतिक पंडाल। और ये वो सिंगर हैं जो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, गोपाल राय काफ़ी अच्छा गाते हैं, अमरपाली दुबे, प्रवेश लाल यादव, शिल्पी राज, नीलम गिरी, विजय चौहान, आदित्य ओझा, मनोहर सिंह, प्रणव सिंह कान्हा, अलका फाड़िया, अमरीश सिंह, राधा और आ रही हैं, दिनेश लाल यादव तो सांसद है ही आजमगढ़ के, तो वो भी तो यहीं फिलहाल में रहेंगे, अमरपाली दुबे तो ज़रूर ही आएंगे। तो चलिए हम आपको आगे की तरफ दिखाते हैं, आगे चलें, आगे अंदर से आओ देखते हैं। आदेश जो आजमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा और विशेष रूप से अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय द्वारा मुझे आदेशित किया गया है, जितने लोग वीआईपी गैलरी में बैठे हैं कृपया आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर हो लें, ताकि जो सफाई कर्मचारी के मेरे सभी साथी हैं वो इसे थोड़ा सा सफाई करके इसे एक व्यवस्थित